हेलो एवरीवन, टुडे आई विल गोइंग टू टीच अबाउट द नर्सिंग डायग्नोसिस। अब आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है नर्सिंग डायग्नोसिस। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था नर्सिंग असेसमेंट। अब जो नेक्स्ट हमारी जो स्टेप होती है उसके बाद वो होती है नर्सिंग डायग्नोसिस। अब हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होती है अकॉर्डिंग टू नंदा। अब नंदा क्या है, नंदा डायग्नोसिस जो होती है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, नंदा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। मीन्स क्या है इसका, ये जो नंदा डायग्नोसिस जो बनती है, ये जो नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन जो होता है उसने क्या है, एक स्टेटमेंट रेडी किया है, एक फार्मूला प्रोवाइड किया है। किस लिए, नर्सिंग स्टेटमेंट के लिए, ताकि हम क्या कर सके, नर्सिंग केयर प्लान को क्या कर सके, फॉर्मुलेट कर सके। इसलिए उन्होंने जो फार्मूला प्रोवाइड किया है उसके बेस पर हमें क्या करना है, जो थ्री वे जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनती है उसके थ्रू हमारा जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो प्रिपेयर होता है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस होता क्या है, ए क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल और कम्युनिटी रिस्पॉन्सेज टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। मीन्स क्या है कि नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो एक क्लिनिकल जजमेंट होता है ना। तो नर्स अपने जो असेसमेंट के बेस पर जो क्लिनिकल जजमेंट बना सकती है, जिसमें वो पेशेंट की एक्चुअल पोटेंशियल प्रॉब्लम को देखते हुए जो नर्सिंग डायग्नोसिस जो है एक मतलब क्लिनिकल जजमेंट होता है, जिसमें क्या होता है, जो नर्स होती है वो असेसमेंट जब करती है पेशेंट का, तो उसके असेसमेंट के बेस पर उसकी जो एक्चुअल पोटेंशियल जो प्रॉब्लम होती है उसको देखते हुए जो एक क्या करती है, क्लिनिकल जजमेंट जो है रेडी करती है, उसको हम कहते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। मीन्स इसमें क्या है, हमें केयर प्लान जो है वो फॉर्मुलेट करना है। जो नर्सिंग डायग्नोसिस जो होती है उसमें क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट बनाते हैं, है ना, स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम क्लिनिकल जजमेंट को लिखते हैं। उस स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, है ना, प्लान बनाते हैं, और उस प्लानिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं पेशेंट पर। तो पेशेंट पर जो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो साइंटिफिक बेस पर होता है ना। आफ्टर देन हम क्या करते हैं, सारी जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या करते हैं, इवॉल्यूएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। तो ये होती है हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस। अब इसके टाइप्स दिए हुए हैं कि जो हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट जो है हमारी एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। तो एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस में दिया है, एक्चुअल डायग्नोसिस आर दोज प्रॉब्लम आइडेंटिफाई बाय द नर्सेस दैट आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। दिस प्रॉब्लम आर आइडेंटिफाई बाय एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। मीन्स क्या है, एक्चुअल डायग्नोसिस का मतलब है, नाम से मीनिंग जो है इसका समझ आ रहा है कि जो एक्चुअली जो प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, मतलब जो एक्चुअल जो डायग्नोसिस बन रही है, दैट इज एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। मतलब वो डायग्नोसिस जो नर्सिंग असेसमेंट के टाइम पर पेशेंट को जो हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, एक्चुअल प्रॉब्लम जो होती है उसको बोलते हैं हम एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। एट द टाइम ऑफ असेसमेंट प्रेजेंट द साइन एंड सिम्टम्स दैट इज कॉल्ड एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। मतलब जो नर्सेस जो है असेसमेंट के टाइम जो भी सिम्टम्स को देखकर जो डायग्नोसिस रेडी करती है उसको बोलते हैं हम एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। एग्जांपल है इसका, नॉलेज डेफिशिएट का जो केयर प्लान बनता है वो भी आपको मैं बताऊंगी। तो वो होता है हमारा एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसका एग्जाम्पल था। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पॉइंट, एट रिस्क डायग्नोसिस। अब एट रिस्क डायग्नोसिस क्या होता है, जिसमें क्या है, हमें जो अपने जो पेशेंट है उसको कोई भी डिसीज होने के चांसेस हो या रिस्क हो, उसे हम कहते हैं रिस्क डायग्नोसिस। प्रॉब्लम दैट आर नॉट करेंटली इन एग्जिस्टेंस बट माइट अकर एनी टाइम एट रिस्क क्लिनिकल नर्सिंग डायग्नोसिस इज ए क्लिनिकल जजमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम
द रिस्क प्रॉब्लम हैज़ नॉट डेवलप येट। मतलब क्या होता है कि जो हमारी जो रिस्क डायग्नोसिस जो होती है, जब हम पेशेंट को असेस कर रहे होते हैं या उसके साइन एंड सिम्टम्स को क्या है हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे साइन भी होते हैं, मतलब कुछ रिस्क जो है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं कि इस चीज़ से क्या है, जो इन्हें डिसीज़ है, इससे इन्हें जो है दूसरी डिसीजेज होने के चांसेस होते हैं। तो ये होती है हमारी रिस्क डायग्नोसिस। मतलब अगर हम पेशेंट को असेस कर रहे हैं, असेसमेंट के ड्यूरेशन में हमें जो है जो उसकी डिसीज़ जो है उसके कॉजेस के इटियोलॉजी के अलावा जो भी सिम्टम्स है उसके अलावा हमें यदि अदर सिम्टम्स प्रेजेंट मिलते हैं कि दूसरे सिम्टम्स जो है वो और प्रेजेंट है, मतलब उसे दूसरे डिजीज़ होने के जो है वो चांसेस होते हैं, या फिर हम यदि कोई प्रोसीजर करते हैं तो उसमें हमें क्या रिस्क होने के चांसेस होते हैं, तो उस बेस पर हम क्या है रिस्क डायग्नोसिस जो है वो प्रिपेयर करते हैं। इसका एग्जांपल है रिस्क फॉर इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय इनएडुकेट वैक्सीनेशन एंड इम्यूनोसप्रेशन। मतलब पेशेंट को रिस्क है इन्फेक्शन होने का क्योंकि पेशेंट को जो है वो इनएडुकेट वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीनेशन है वो नहीं हुआ है, जिससे क्या है इम्यूनिटी पेशेंट की सप्रेस हो गई है। तो ये था हमारा रिस्क डायग्नोसिस, जिसमें हमें क्या है रिस्क है अदर डिसीजेज होने के। अब थर्ड हमारा आता है पॉसिबल और पोटेंशियल डायग्नोसिस। अब ये क्या होता है, पॉसिबल डायग्नोसिस आर स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग ए सस्पेक्टेड प्रॉब्लम्स फॉर विच एडिशनल डाटा आर एज नीडेड एडिशनल डाटा यूज टू कन्फर्म और रूल आउट द सस्पेक्टेड प्रॉब्लम। मतलब क्या है कि पॉसिबल मतलब क्या है, दूसरी जो डिजीजेज हैं उनके होने की क्या है पॉसिबिलिटी है, वो होता है हमारा पॉसिबल डायग्नोसिस। कैसे, मतलब हमारा पेशेंट है, अब पेशेंट को हम क्या कर रहे हैं असेस कर रहे हैं, अब पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो उसके साइन एंड सिम्टम्स को देखते हुए हमने उसकी डायग्नोसिस जो है वो प्रिपेयर की और पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। बट इसी ड्यूरेशन में यदि हमें किसी साइन एंड सिम्टम्स, मतलब साइन एंड सिम्टम्स की मतलब मीनिंग ये है कि हमें अगर कुछ ऐसा लगता है कि नहीं पॉसिबिलिटी है कि हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं उससे क्या है हमें जो रिस्क है पेशेंट को, पेशेंट की हेल्थ को, उस बेस पर हमारा जो है पोटेंशियल डायग्नोसिस बनता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें दिया हुआ है पोटेंशियल रिस्क ऑफ प्रेशर सोर डेवलप फ्रॉम इन्फोर्स बेड रेस्ट। मतलब एग्जाम्पल के लिए देखो, हमारे पास जैसे एक बेड रिडन पेशेंट है, मतलब जो लॉन्ग टाइम से क्या है बेड रिडन है ना, और हमने यदि उसकी साइड रेल्स को एलिवेट नहीं किया तो क्या होगा, अब वो लॉन्ग टाइम क्या है एक ही पोजिशन पर रहेगा, जिससे क्या है उसे बेड सोर्स होने के पॉसिबिलिटी होगी। तो ये हमारा पॉसिबल जो है डायग्नोसिस बनता है इस बेस पर। नेक्स्ट हमारा आता है वेलनेस डायग्नोसिस। अब वेलनेस डायग्नोसिस क्या होता है, बीइंग एबल टू डायग्नोस वेलनेस डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइजिंग व्हेन हेल्दी क्लाइंट इंडिकेटेड ए डिज़ायर टू अचीव ए हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग इन ए स्पेसिफिक एरिया। एग्जाम्पल इसका रेडीनेस फॉर इन्हेंस हेल्थ मेंटेनेंस। मतलब क्या है, वेलनेस से, वेलनेस का मीनिंग क्या है कि पेशेंट जो है वो हेल्दी है, मतलब पर्सन जो है वो हेल्दी है, बट फिर भी पेशेंट क्या चाहता है, पर्सन क्या चाहता है कि मैं हेल्दी हूँ बट मेरा जो हेल्थ लेवल हो वो हायर हो। मीन्स क्या है, मैं हेल्दी हूँ बट मुझे और टिप्स चाहिए जिससे मैं और हेल्दी हो सकूँ, नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो बॉडी की मेरी हायर रहे। तो इसलिए क्या करते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे गाइडेंस जो है वो काउंसलिंग जो है लेते हैं। तो पेशेंट जो है वो अपनी वेलबींग को इंक्रीज़ करना चाहता है, इस डायग्नोसिस में पेशेंट अपनी वेलबींग को इंक्रीज़ करना चाहता है, दैट इज़
कॉल्ड वेलनेस डायग्नोसिस। तो आप समझे, जैसे कि एग्जांपल के लिए पेशेंट जो पर्सन जो है वो एक्सरसाइज करता है और डॉक्टर से पूछता है कि एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, आप मुझे बताइए, मैं एक्सरसाइज करके और हेल्दी होना चाहता हूँ, हेल्दी डाइट क्यों ज़रूरी है। तो क्या है, कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करता है, टिप्स लेते हैं कि हमें और हेल्दी रहने के लिए क्या क्या टिप्स चाहिए। तो इस बेस पे हमारा जो है वेलनेस डायग्नोसिस बनता है। अब नेक्स्ट हमारा है सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस। अब सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, कंप्राइज ए क्लस्टर और एक्चुअल और रिस्क नर्सेस डायग्नोसिस दैट आर प्रिडिक्टेड टू प्रीपोजिशन बिकॉज ऑफ सर्टेन इवेंट और सिचुएसन। एग्जाम्पल इसका रेप ट्रॉमा सिंड्रोम। मीन्स क्या है इसका, कि इसमें क्या होता है, जो सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस होती है उसमें क्लस्टर ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाती है। मतलब क्या है कि जो पेशेंट है वो क्या है, प्रीवियस में जो है उन जो कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ सिचुएंस जो होती है, जो भी इवेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सम टाइम आफ्टर सम टाइम क्या है, अराइज हो जाते हैं। दैट इज सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस। इसका एग्जांपल दिया है जैसे रेप ट्रॉमा सिंड्रोम जो है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। अब जो नर्सिंग डायग्नोसिस जो हम बनाते हैं, हम मीन्स क्या, जो हम केयर प्लान जो प्रिपेयर करते हैं वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम किस बेस पे उसको फॉर्मुलेट करते हैं, क्या स्टेटमेंट बनता है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ फॉर्मुलेशन। इसके टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट तो होता है टू पार्ट स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, पी फॉर्मेट होता है। पी फॉर्मेट मतलब पी फॉर प्रॉब्लम, ई फॉर इटियोलॉजी। मतलब प्रॉब्लम क्या है और इटियोलॉजी मीन्स उसके कॉजेस क्या है, ये इसमें ऐड होते हैं। अब जो सेकंड है, सेकंड पार्ट है इसका, ये है थ्री पार्ट स्टेटमेंट मीन्स पी ई एस फॉर्मेट। पी इस फॉर्मेट में क्या आएगा, प्रॉब्लम, इटियोलॉजी और सिम्टम्स। तो हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। अब हम जो टू पार्ट और जो थ्री पार्ट जो स्टेटमेंट देख रहे हैं उसमें पी फॉर क्या होता है, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होता है, कंपोनेंट रिफर्ड टू एज द डायग्नोस्टिक कैटेगरी लेवल और टाइटल। मीन्स क्या समझ रहे हो आप, हमने क्या किया, जो पेशेंट को असेस किया साइन एंड सिम्टम्स के बेस पर, हमने उसकी एक नर्सिंग डायग्नोसिस अब प्रिपेयर कर ली है, तो अब वो क्या कहलाएगी, प्रॉब्लम कहलाएगी। ठीक है, अब जो ई है, ई मीन्स क्या होता है, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मीन्स कॉजेज। मतलब अब जो प्रॉब्लम है वो किसके थ्रू, रीज़न क्या है उसका, किसके थ्रू कॉज हो रही है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स विच आइडेंटिफाई वन और मोर कॉजेज और रीज़न फॉर कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। मतलब अब जो पेशेंट को जो हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हो रही है, जो डायग्नोसिस हम जिस बेस पर बना रहे हैं, तो उसके रीज़न क्या है, उसके कारण क्या है। मतलब वो जो प्रॉब्लम है वो किस बेस पर कॉज हो रही है। अब जो लास्ट है हमारा, एज फॉर साइन एंड सिम्टम्स। मतलब अब जो पेशेंट में जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, इस बेस पर क्या है हमारा, ये टू पार्ट स्टेटमेंट और थ्री पार्ट स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर होता है। अब टू पार्ट स्टेटमेंट को हम देखते हैं, हमने फुल फॉर्म देख लिए थे, पी फॉर प्रॉब्लम, ई फॉर इटियोलॉजी एंड एस फॉर साइन एंड सिम्टम्स। तो अब टू पार्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम, जिसमें क्या आता है हमारा, पी ई आता है। मतलब इसमें प्रॉब्लम जो है ऐड होती है और इटियोलॉजी ऐड होती है। मतलब इसके प्रॉब्लम क्या है, मतलब डायग्नोसिस क्या है और इसका कारण क्या है, इतना ही ऐड होता है। इसमें साइन एंड सिम्टम्स मतलब एविडेंस ऐड नहीं होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब पी, एंड सेकेंड पार्ट आर द इटियोलॉजी मीन्स ई या फिर कॉजेज। द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट एज
एज लिंक बाय द टर्न रिलेटेड टू, मतलब क्या है इसका कि एग्जाम्पल से समझते हैं, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, पी फॉर प्रॉब्लम रिलेटेड टू इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड। अब क्या है प्रॉब्लम, क्या है इसमें हमारी इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। अब क्या है इसमें पेशेंट की बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की वो क्या है उससे कम हो चुकी है, मतलब इसका जो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो चुका है, ये क्या हुआ हमारा प्रॉब्लम हो गई रिलेटेड टू इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड। अब हमारी जो इटियोलॉजी, कारण क्या बना, क्योंकि जो पेशेंट है वो प्रॉपर जो फूड है उसको इनटेक नहीं कर रहा था, तो हमारा इसमें प्रॉब्लम आ गया और इटियोलॉजी आ गई। तो ये बन गया हमारा टू पार्ट स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं थ्री पार्ट स्टेटमेंट में क्या होता है, जिसको हम PES फॉर्मूले के थ्रू क्या करते हैं प्रेजेंट करते हैं। इन दिस फॉर्मेट पी मीन्स प्रॉब्लम इज इटियोलॉजी एंड एस इज साइन एंड सिम्टम्स। अब इसमें क्या करेंगे तीनों जो फॉर्मूले हैं उसको यूज़ करेंगे। इसका एग्जांपल है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटिव टू इंसिजन पेन एज एविडेंस बाय कफ, मतलब पेशेंट को क्या है प्रॉब्लम क्या आ रही है। इसमें सबसे फर्स्ट में प्रॉब्लम लिखते हैं, प्रॉब्लम क्या है इनइफेक्टिव एयरवे हो रहा है, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है पेशेंट को। अब इटियोलॉजी आएगी रिलेटिव टू इंसीजन पेन, मतलब इंसीजन के पेन के कारण क्या है पेशेंट को इनइफेक्टिव एयरवे पैटर्न जो है पेशेंट का प्रेजेंट है। अब साइन एंड सिम्टम्स आएंगे जिसको हम एविडेंस के थ्रू लिखते हैं, एविडेंस बाय कफ। साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखाई दे रहे हैं हमें कि पेशेंट को जो है वो कफ आ रहा है, पेशेंट में कफ प्रेजेंट है। तो ये था हमारा थ्री पार्ट स्टेटमेंट। इसी के बेस पर हमारा जो है केयर प्लान जो है वो प्रिपेयर होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अभी आप इसको अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप दो तीन बार इस वीडियो को देखिएगा, फिर भी अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।